डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, मूल्यांकनकर्ता और शिक्षक थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। कलाम ने एरोनॉटिक्स में अध्ययन किया और वायुमंडल अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका विशेष दृष्टिकोण और योगदान भारत के नए युग के विकास में महत्वपूर्ण रहा। वह मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने भारत में अनेक प्रकार की पृथ्वी और अंतर्राष्ट्रीय मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रेरणादायक व्यक्तित्व, उनकी रचनात्मक सोच और युवा पीढ़ी के प्रति उनका प्रेम आज भी याद किया जाता है। उनका मातृभूमि से प्रेम, सिद्धियों से समझौता नहीं करने वाला दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार के प्रति उनका जज्बा उन्हें याद दिलाते हैं। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ, लेकिन उनका योगदान, उनकी सोच और उनकी कठिन परिश्रम आज भी हमें प्रेरित करते हैं। कलाम जी ने जीवन भर शिक्षा और वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और देश के हर कोने तक उनका प्रभाव है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बायोग्राफी इन हिंदी। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन और उनकी माता का नाम अशियामा था, जो घर को संभालती थी। दोस्तों, डॉ कलाम के 5 भाई बहन थे, जिसमें वो सबसे यंग थे और सबसे बड़ी बहन का नाम असीम जोहरा था, और 3 बड़े भाई थे, जिनके नाम मोहम्मद मुथू मीरा, मुस्तफा कलाम और कासिम मोहम्मद थे। वो अपनी फैमिली के बहुत करीब थे, जिनकी उन्होंने हमेशा हेल्प की, इसीलिए उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। उनके परिवार के लोग बहुत अमीर व्यापारी थे, जिनकी बहुत रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज थी। उनके परिवार को मरकेयर बोला जाता था, लेकिन 1920 में उनके घर के सदस्यों ने सभी एस्टेट और प्रॉपर्टीज को दिया और उनके बिजनेस फेल होते गए। तब तक डॉक्टर अब्दुल कलाम जन्मे उनके परिवार को बहुत ही दिक्कत आने लगी थी, और अपने परिवार को हेल्प करने के लिए उन्होंने बचपन में ही न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा। दोस्तों, स्कूल के दिनों में डॉ कलाम जी के मार्क्स एवरेज थे, लेकिन डॉ अब्दुल कलाम जी को हार्डवर्किंग और ब्राइट स्टूडेंट मानते थे, जो बहुत सीखना चाहते थे। मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट बहुत था। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई रामनाथापुरम से की थी। बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में फिजिक्स से ग्रेजुएशन की। दोस्तों, 1955 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए मद्रास चले गए। अपने थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में कुछ स्टूडेंट के साथ उनको बेस लेवल के लड़ाकू एयरक्राफ्ट बनने का प्रोजेक्ट मिला। उनके टीचर्स ने उनको बहुत कम वक्त दिया, जिसमें उन्हें उस प्रोजेक्ट को खत्म करना मुश्किल था। डो कलाम ने बहुत प्रेशर से काम किया और वक्त पर काम भी पूरा किया। टीचर्स उनके डेडिकेशन से बहुत प्रभावित थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम फाइटर पायलट बनना चाहते थे, पर उनको 9वीं पोजीशन मिली और तब सिर्फ 8 ही पोजीशन अवेलेबल थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1957 में ग्रेजुएशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की और 1958 में एक साइंटिस्ट के रूप में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको DRDO भी कहा जाता है, उसको ज्वाइन किया। दोस्तों, 1960 में उन्होंने इंडियन नेशनल कमिटी स्पेस रिसर्च के साथ काम किया, जिसमें उनके साथ में बहुत ही फेमस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई भी थे। उन्होंने DRDO में एक छोटे से होवरक्राफ्ट की डिजाइनिंग के साथ शुरू की और नासा रिसर्च सेंटर हैम्पटन वर्जीनिया में विजिट के बाद 1965 में DRDO के साथ उन्होंने एक्सपेंडेबल प्रोजेक्ट में इंडिपेंडेंटली काम शुरू किया। डॉ अब्दुल कलाम DRDO के साथ काम करने में सेटिस्फाई नहीं थे, और जब उनको 1969 में उनको ISRO ट्रांसफर किया गया, तब वो खुश हो गए। वहाँ वो SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने, जहाँ उन्होंने जुलाई 1980 में सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को डिप्लॉय किया और यह भारत का सबसे बड़ा डिजाइन किया गया सैटेलाइट लॉन्चिंग वाहन था। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने 1979 में सरकार की मंजूरी प्राप्त की और अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया। 1970 में उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च विकल्पी SLV को डेवलप करना शुरू कर दिया, जिसे भारत के पास अपना इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा। PSLV 20 सितंबर 1993 में अपने पहले ही बार में सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद राजा रमन्ना ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को देश के पहले न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा के लिए इन्वाइट किया, जबकि उन्होंने उस डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं दिया था। 1970 में डो अब्दुल कलाम ने 2 प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया, जिनका नाम प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट था। दोस्तों, प्रोजेक्ट डेविल एक लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल थी, जिसका एम शॉर्ट रेंज की मिसाइल बनाना था, जो कि जमीन से आसमान में निशाना लगा सके, और यह 1980 में सफल नहीं हुआ और इसको बंद कर दिया गया, और बाद में इसको पृथ्वी मिसाइल बनाया गया।
दूसरी तरफ प्रोजेक्ट वैलिएंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनने लगी और यह प्रोजेक्ट भी सफल नहीं हुआ। दोस्तों 1980 के दशक में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने DRDO के साथ पार्टनरशिप करके इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च किया और डॉ अब्दुल कलाम को इस प्रोजेक्ट लीड करने के लिए बोला गया और इस प्रोग्राम में 4 प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट हुई। शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल, मीडियम रेंज सरफेस टू मिसाइल आकाश, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल नाग। अब्दुल कलाम के नेतृत्व में प्रोजेक्ट इम्प सक्सेसफुल रहा और 1988 में अग्नि मिसाइल का निर्माण किया गया। दोस्तों उसके बाद डॉ अब्दुल कलाम जी की कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाने लगा। 1992 में उन्हें वैज्ञानिक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कैबिनेट के मंत्री के रैंक पर 1999 में उन्हें भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया। 1988 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पोखरण 2 के सफलता में बहुत अहम रोल अदा किया था, जो कि एक सीरीज 5 न्यूक्लियर बम की टेस्ट की थी। इसके सफलता के बाद उनको नेशनल हीरो माना गया और इसी वक्त उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया को पूर्ण रूप से न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, 1988 में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक संभावित योजना बनाई थी। इसमें न्यूक्लियर एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी ध्यान दिया गया। 2002 में नेशनल डेमोग्राफिक अलायंस NDA राष्ट्रीय डेमोग्रेट गठबंधन को पावर मिली और डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति पद को चुना गया। दोस्तों उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनको यह पद आसानी से मिल गया और 10 जून 2002 को NDA सरकार ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को विपक्ष के नेता सोनिया गांधी जी के सामने खड़ा किया गया। डॉक्टर कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे और वो सबसे पहले साइंटिस्ट और बैचलर थे जिनको राष्ट्रपति भवन में जगह मिल गई थी। दोस्तों उन्होंने कहा कि एक लीडर का विजन यह होना बहुत जरूरी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने काम के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नए रास्ते पर चलने का एक्साइटमेंट और डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के आर नारायणन के बाद भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और वो ये सम्मान मिलने वाले 3वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को लोगों का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। उनके 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान वो भारत को एक डेवलप राष्ट्र देखने के लिए कमिटेड थे। उन्होंने 2007 में आयोजित किए गए राष्ट्रपति चुनाव पर विचार नहीं किया और 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति पद को छोड़ दिया। कार्यकाल से बाहर रहने के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम को एकेडमिक फील्ड में चुना गया और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस बेंगलोर में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने वत कन आई गिव मूवमेंट को भी लॉन्च किया जिसका मकसद करप्शन को खत्म करना था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुई? दोस्तों 27 जुलाई 2015 को शिलांग में जब लेक्चर ले रहे थे तब उनको लाल हार्ट अटैक आ गया और उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई। उसके बाद में उन्हें विठानिया हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया जहां उनकी डेथ हो गई। दोस्तों यह थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बायोग्राफी, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे द्वारा किया हुआ प्रयास और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बायोग्राफी इन हिंदी ऑडियो समरी अगर आपको पसंद आया हो, इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।